दोस्तों एशिया कप के सुपर चार के चौथे मुकाबले में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक हाई टेंशन मुकाबला देखने को मिला था। इस मैच में पाकिस्तानी क्रिकेटर आसिफ अली और अफगानिस्तान के गेंदबाज फरीद अहमद के बीच तीखी झड़प भी देखने को मिली थी। यहां तक कि दोनों के बीच लगभग लगभग मारपीट तक की नौबत आ गई थी और आसिफ अली ने फरीद को मारने के लिए बल्ला तक उठा लिया था। दोस्तों आपको बता दें कि अब इस घटना का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने तत्काल प्रभाव से संज्ञान लिया है और दोनों खिलाड़ियों को दोषी पाते हुए सजा भी दी है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के आसिफ अली और अफगानिस्तान के गेंदबाज फरीद अहमद पर मैदान पर झड़प के कारण मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया है। दोनों को ICC की आचार संहिता के लेवल 1 के अपराध का दोषी पाया गया। ICC के बयान के अनुसार अली ने ICC आचार संहिता की धारा 2.6 का उल्लंघन किया, वहीं फरीद को धारा 2.1.12 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। इसके अलावा ICC ने इन दोनों खिलाड़ियों के रिकॉर्ड में एक एक डिमेरिट अंक भी जोड़ा है। आपको बता दें कि यदि 2 साल की अवधि में किसी खिलाड़ी को 4 डिमेरिट अंक मिलते हैं तो ये एक सस्पेंशन अंक के बराबर माना जाता है और ऐसी स्थिति में खिलाड़ी पर बैन लग सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी बस इतना ही, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, कोई नए अपडेट के साथ। तब तक लिए आप बने रहे हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके।